हाँ तो भाई ये है पोको X6 5G, और कल मुझे इसमें जो हाइपर ओएस 1.0.13.0 का अपडेट मिल चुका है। पिछले 24 घंटे से मैं इसे यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ, और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि भाई आपको ये अपडेट को अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, बैटरी डेड इशू फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, हीटिंग इशू देखने को मिलता है कि नहीं मिलता, कैमरा डेड, मदरबोर्ड डेड हुआ कि नहीं हुआ। प्लस बहुत लोग का ऐसा हो रहा है ना कि अपडेट तो मिला बट उनके फ़ोन से गायब हो गया, तो क्या उन्हें फीचर में अपडेट मिलेगा, मतलब सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं अपडेट साइज के बारे में, तो यहाँ पे हमें 67 MB का अपडेट देखने को मिल जाता है। हाँ भाई, ओनली ऑन 67 MB। तो आप बोलोगे भाई 67 MB में तो क्या वीडियो बना रहे। देखिए 67 MB में भले कोई चेंजेस ना है बट फोन खराब करने के लिए ये काफ़ी होता है, क्योंकि बहुत सारे पोको के फ़ोन में दिक्कत आ रही थी और बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भाई बताइए हमें अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो डेडिकेट आपके साथ में शेयर किया जाए। 67 MB का हमें यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाता है। व्हाट्स न्यू में जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है September 2024 का जो सिक्योरिटी पेज है उसे अपडेट कर दिया गया है। हाँ, जो अक्सर लिखा हुआ आता है कोई इसमें हालांकि बात करें तो उसमें व्हाट्स न्यू में कुछ लिख के नहीं आता है, अब की बार भी सेम लिख के नहीं आया हुआ है, लेकिन कोई चेंजेस भी नहीं हुआ है। बात करें तो फर्स्ट विजुअल चेंजेस के बारे में, तो सब कुछ पहले जैसा ही देखने को मिलता है, पहले जैसा है, थीम पहले जैसा है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशन था, जो स्पीड था, मतलब सब कुछ हमें सेम देखने को मिल जाता है। मतलब अपडेट के बाद और अपडेट के पहले कोई भी हमें यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि बैटरी ड्रेन उसमें फिक्स हुआ, तो भाई देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, रफली बात करें तो मैंने यहाँ पे फोन को 100% चार्ज कर लिया और जो मेरा SOT था 1 घंटा 51 मिनट के आसपास था, और अभी बात करें तो इस टाइम पे 9:07 हो रहे हैं नॉन टाइम का, तो अभी रफली जो है 7:42 हो रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहले 2 घंटा हुआ था प्लस अगर हम यहाँ पे 7 तो 5 घंटा ये हो गया प्लस 42 मिनट, मतलब रफली आप समझ सकते हो कि आपको जो है 6 घंटे के आसपास SOT देखने को मिल जाता है। तो आप बोलोगे क्या ये ज़्यादा है या फिर कम है, तो पहले भी रफली 5 साढ़े 5 के आसपास जाता था, अब 6 तक पहुंच गया है। हाँ, उतना ही गया है, मतलब इसमें हमें जो बैटरी ड्रेन इशू अभी भी देखने को मिल जाते हैं। और देखिए अगर आप पोको एक्सेस खरीदने जा रहे हो तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 8-9 महीना ऑलरेडी हो चुका है, तो ये अपडेट देखे अगर अभी तक इनको सुधारना होता तो सुधार चुके होते। 120Hz इसमें डिस्प्ले है, प्लस 1.5 का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, 5G इसमें कंसिस्टेंसी के साथ चलता रहता है। तो सिनेरियो में बात करें ओवरऑल अगर 6 घंटा भी हमें SOT देखने को मिल जा रहा है तो ठीक ठाक है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो डब्बे में 67 वाट का चार्जर देखने को मिल जा रहा है, रफली 45 से 50 मिनट में फोन फुल चार्ज हो जाता है। तो उस सिनेरियो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला, मतलब अगर बैटरी सब पूछिए मैं दिन भर में 2 बार चार्ज करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कॉन्टेंट के लिए देखना पड़ता है, फिर शूट वूट करना हो, वीरो लेना हुआ, तो उस सिनेरियो मुझे दिन भर में 2 बार चार्ज करूँगी, अभी तो 3 बार भी चार्ज करना पड़ता है, बट अभी हाल फिलहाल में 2 बार ही चार्ज करना पड़ रहा है। तो जो बैटरी ड्रेन पहले देखने को मिलता था सेम वैसे ही, तो आप रफली 6 आवर समझ के चलिए, मेरे हिसाब से ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर देना होता तो दे देते, अगर आप पोको एक्सेस लेने जा रहे हो तो 6 आवर्स ही आपको काम चलाना पड़ेगा। हालांकि इसका हमने डिटेल रिव्यू, मतलब 8 से 9 महीने लेटर वाला जो डिटेल रिव्यू है हमने शेयर किया है, आई टाइम जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और बात करते हैं कि इसमें हीटिंग इशू देखने को मिल रहा है, तो भाई देखिए रफली शुरुआत के 1 महीने मुझे हीटिंग इशू इसमें देखने को मिला था, उसके बाद में कोई हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला, अभी भी इसमें कोई हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता। हाँ, हालांकि अगर आप BGMI खेलते हो तो उस सिनेरियो में अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा खेलते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे 40 डिग्री के आसपास हीट होते हुए देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे हमें YouTube HDR का सपोर्ट मिला, कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिला, और कोई नया फीचर आया, कोई भी इसमें हमें फीचर देखने को नहीं मिला, क्या मदरबोर्ड या कैमरा रेड हुआ, तो वो सब भी कुछ हमें देखने को नहीं मिला। मतलब अगर आप अपडेट करते हो तो खाली क्या होगा, आपको जो सिक्योरिटी पेज है वो September 2024 का अपडेट हो जाएगा और इसमें कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं किए गए। हालांकि मैं आपको बोलूंगा कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, आप अपडेट कर लीजिए। पिछले 24 घंटे से मैं खुद इसे यूज करता हूँ, वो आ रहा हूँ, अगर कोई इशू आना होता तो अभी तक आ चुका होता, तो अगर आपको अपडेट करना है तो बिंदास होकर अपडेट कर सकते हो। अब बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई हमारे में अपडेट आया था और अपडेट चला गया तो अब हम क्या करें। तो भाई देखिए ऐसा होता है, स्टार्टिंग में टेस्टिंग फेज के लिए कुछ लोगों, जैसे सपोज कीजिए 500 लोग ने फोन लिया हुआ है, तो स्टार्टिंग में 200 लोग के पास ही दिया जाता है, स्टार्टिंग में 200 लोग को दिया, उन्होंने अपडेट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आगे भेज दिया जाता है। तो क्या टेस्टिंग पर्पज के लिए दिया जाता है, अगर शुरुआत में सपोज कीजिए कोई अपडेट इन्होंने दे दिया, कैमरा डेड होना स्टार्ट हो गया, तो क्या 200 के बाद से रोल बैक ले लेते हैं, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए। आप में अभी अपडेट आ चुका था एक बार या फिर अपडेट नहीं आया था, दोनों सिनेरियो में अगले कुछ 2-4 दिन 5 दिन में आपको ये अपडेट मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आपको बिंदास होकर अगर आप में अपडेट आया तो अपडेट कर लीजिए, नहीं आया तो फ्यूचर में आ जाएगा, और आके चला गया तब पर भी आपको फ्यूचर में अपडेट मिल ही जाएगा। और ओवरऑल ठीक ठाक ही मेरे हिसाब से। तो भाई देखिए फ्लिपकार्ट की BBD सेल में 15,000 का मिल रहा था, अभी 16,000 में मिल रहा है, 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज साथ में, ओवरऑल हमें एक अच्छा पैकेज देखने को मिल जाता है। बट अगर आपको बाय ही करना है तो आई बटन जाके वीडियो चेकआउट कर लीजिए, आपको भाई और ज़्यादा अच्छी तरह से अंदाजा लग जाएगा। हालांकि देखिए ऑलरेडी मेरे पास में Vivo का T3 है, वो फिर Realme Narzo 7T Pro है, तो इसके साथ में भी जो कंपैरिजन वाली वीडियो आपको जल्दी हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें जो बेल का आइकन है उसे भी दबाएँ, ऐसे और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।